शिवसेना नेता संजय राउत ने बिल्कुल ठीक कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी ने उत्सव का रूप ले लिया है। संजय राउत का कहना है कि देश में सुशांत की मौत के अलावा और भी कुछ हो रहा है। कोरोना का कहर अभी भी जारी है। चीनी हमले में 20 जवान शहीद हो गए हैं, फिर भी सुशांत की खुदकुशी की खबर महीने भर से जगह पा रही है। पुणे में रहने वाले राजेश शिंदे नामक व्यक्ति ने लॉकडाउन में नौकरी जाने से अपनी पत्नी और दो बच्चियों के साथ मिलकर आत्महत्या कर ली। उस आत्महत्या की फाइल बंद हो गई है और सुशांत की खुदकुशी का उत्सव मनाया जा रहा है। आज ही खबर है कि कानपुर के बड़े हॉस्पिटल मालिक ने आत्महत्या कर ली है। देश के स्थानीय अखबार रोज छाप रहे हैं कि लॉकडाउन से उपजी आर्थिक परिस्थितियों से उपजे तनाव के बाद आत्महत्याएं बढ़ गई है। यही स्थिति देश के हर छोटे बड़े कस्बे, गांव और शहर की है, लेकिन महीने भर से मीडिया एक बस सुशांत सिंह की आत्महत्या को ही आत्महत्या माने बैठा है।